नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनोप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे 10th कंप्यूटर साइंस के यूनिट 2 नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट वाले चैप्टर का। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के जो टॉपिक हैं वो हैं कंप्यूटर नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन एंड ईमेल्स। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका 20 मार्क्स की प्रेपरेशन हो जाएगी फाइनल एग्जाम के लिए, 8 मार्क्स की थ्योरी की और 12 मार्क्स की प्रैक्टिकल की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें और इसको ध्यान से देखें। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क हमने बना दिया है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है। हमने 1, 2 और 3 कंप्यूटर आपस में जोड़े हुए हैं। ये सारे डिवाइसेस प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं थ्रू ईथरनेट केबल। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट आता है होस्ट। होस्ट हम बोलते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट किए होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। दूसरा आ गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वो डिवाइस है जो कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के साथ लगा होता है, जिसके थ्रू आपकी ईथरनेट केबल कनेक्ट करती है डिफरेंट डिवाइसेस को। थर्ड है हमारे पास ईथरनेट केबल, जो कि आप यहाँ पे नेटवर्क में देख सकते हैं, जो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रही है। फोर्थ है हब स्विच या रूटर। ये आपके जो डिफरेंट टाइप्स की ईथरनेट केबल डिफरेंट डिवाइसेस से जुड़ी होती है, उनको एक पॉइंट पे सबको इकट्ठे लिंक करती है। उसके बाद आ गया हमारा इंटरनेट। इसके लिए हमें अपने नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क की ये डायग्राम है आपके पास, और एडवांटेज की बात करें तो इसका जो हमारा मेन पर्पज़ होता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड जो मेन पर्पज़ है वो है कम्युनिकेशन। थर्ड है कि जब हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी, लो कॉस्ट हो जाएगी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के कारण। रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है कंप्यूटर नेटवर्क में। डिसएडवांटेज की बात करें तो डाटा सिक्योरिटी का इशू आ जाता है हमें, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट किए होते हैं, तो सिक्योरिटी का इशू, जितने डिवाइसेस बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी का इशू उतना ज़्यादा है बढ़ जाएगा। दूसरा है कि हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो डिवाइसेस नेटवर्क में लगते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तीसरा है कि वायरसेस आने के चांसेस हो जाते हैं, इलीगल यूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट है कि हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस के लिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट की डिपेंडेंसी ऑन ए सर्वर। सो ऑल दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये थे कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं फॉर दी पर्पज़ ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ऑन दी बेसिस ऑफ साइज हमने कंप्यूटर नेटवर्क को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लैन, मैन, वैन और पैन। तो ये डायग्राम है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि पैन हमारा सबसे छोटा एरिया होता है नेटवर्क का, लैन उससे बड़ा, मैन उससे बड़ा और बैन सबसे बड़ा। तो इनके बारे में डिटेल में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। अब लैन के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लैन हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि एक बिल्डिंग या घर के अंदर हो सकता है, जिसमें हमने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सर्वर है, ये हब है हमारी, और इसके साथ हमने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है। तो लैन के एडवांटेज पढ़ें तो चीपर कॉस्ट, इस तरह का नेटवर्क बनाने के लिए हमारी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। कम्युनिकेशन हम मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कर लेते हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कर लेते हैं, और सिंगल इंटरनेट कनेक्शन आप मल्टीपल डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकते हैं लैन बनाकर। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो जियोग्राफिकल एरिया जो कवर करता है वो स्मॉल होता है। इस तरह के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, जितने ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना टफ होगी। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज है कि अगर सर्वर डाउन होता है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्टार नेटवर्क होगा अगर आपका। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें आपका जो नेटवर्क होता है
उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, एक सिटी या यूनिवर्सिटी हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी कवर कर लेगा, यूनिवर्सिटी का कैंपस भी हो जाएगा, ऑफिस की बिल्डिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह के जो नेटवर्क के एडवांटेज होते हैं वो क्या होता है कि लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा एरिया कवर होता है, एंड इट प्रोवाइड ए गुड बैकबोन फॉर लार्ज नेटवर्क। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी इस तरह का नेटवर्क बनाना कॉस्टली होता है कंपेयर टू लैन, रिक्वायर्ड मोर केबल। थर्ड जो होता है कि इस तरह के नेटवर्क को मैनेज करना टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज लोकेटेड ओवर वर्ल्ड वाइड, सच एज सिटीज, स्टेट, कंट्री और इवन कॉन्टिनेंट्स। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसमें आपकी कंट्रीज भी कवर हो जाती हैं, कॉन्टिनेंट्स भी कवर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क आपस में कनेक्ट करते हैं, लैंस मैंस, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर जो बैन की एग्जांपल है हमारे पास, वो है हमारे पास इंटरनेट। एडवांटेज देखें तो लार्जर जियोग्राफिकल एरिया कवर होता है हमारा इसमें, मैन के कंपेरिजन में भी। बैन में हमारा क्या होता है, ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनता है हमारा। और थर्ड होता है कि बैन हमारा सपोर्ट करता है ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल बिजनेस को। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी कॉस्ट बड़ी हाई होती है इस तरह का नेटवर्क बनाने की, स्लो होती है स्पीड, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल एरिया जितना ज़्यादा होगा तो स्पीड उतनी कम होती जाएगी, सिक्योरिटी लो होती है। और इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क होता है। इंटरनेट जैसे अगर आप देखें तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, कभी भी जा सकता है, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये था बैन के बारे में। अब हम पैन के बारे में देखेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि आपका दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस या इंडिविजुअल जब नेटवर्क बनाते हैं फॉर दी पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ डाटा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप दो मोबाइल्स को या मोबाइल और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं वाईफाई से, तो उसको हम बोलेंगे एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये वायरलेस भी हो सकता है, थ्रू केबल भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का नेटवर्क क्या होता है, आपका क्विक होता है, इजी होता है। इस तरह के नेटवर्क के लिए टेक्निकल स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के नेटवर्क के एग्जांपल है जैसे आपका एसी या टीवी का रिमोट, वाईफाई, माउस, वायरलेस ईयरफोन, ये सारे एग्जांपल हैं इस तरह के नेटवर्क के, पैन के। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पैन की जो रेंज होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है, और वायरलेस पैन के डिवाइसेस होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये था पैन के बारे में। नेटवर्क क्लासिफिकेशन की अब हम कंप्लीट डायग्राम देख लेते हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया हमारे यूज़ होते हैं नेटवर्क को क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि जियोग्राफिकल स्प्रेड उनका या साइज़ कितना है, टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, और ओनरशिप के बेसिस पे हम नेटवर्क को क्लासीफाई करते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ साइज हम नेटवर्क को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लैन, मैन, बैन और पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसा कि आपको बताया कि स्मॉल एरिया होता है इसमें कवर, लैन में पैन के कंपैरिजन में ज़्यादा एरिया कवर होता है, और मैन में लैन के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होता है, इसमें आपकी सिटी और यूनिवर्सिटी कैंपस कवर हो जाता है। बैन में हमारा मल्टीपल कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स सारे कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का कंपैरिजन करेंगे। एरिया कवर पैन में कम होता है, लैन में उससे ज़्यादा है, मैन में उससे ज़्यादा है, और बैन में सबसे ज़्यादा है। एरर रेट्स हमारे किस में होते हैं, पैन में लोएस्ट होते हैं, लैन में कम होते हैं, मैन में मॉडरेट और बैन में हाईएस्ट होते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड पैन में ज़्यादा होगी, लैन में भी ज़्यादा होगी, और मैन में मॉडरेट और बैन में स्लो, क्योंकि इसका जितना एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड आपकी कम होगी। नेटवर्किंग कॉस्ट पैन में नेगलिजिबल, लैन इनएक्सपेंसिव, मैन मॉडरेट और बैन में एक्सपेंसिव होगी। एरर रेट्स पैन में लोएस्ट होंगे, लैन में भी लोएस्ट होंगे, मैन में मॉडरेट और बैन में हाईएस्ट होंगे। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस पैन की इजी है, लैन की इजी है, और मैन की थोड़ी टफ़ है, और बैन की ज़्यादा टफ है। तो ये थे कंपैरिजन हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। इंटरनेट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट लिंक मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आगे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंटरनेट में क्या होता है, आपके डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, और
इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। अगर एडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट के हमारे पास सबसे पहले नंबर आता है ईमेल। ईमेल की फैसिलिटी हम विदाउट इंटरनेट अवेल नहीं कर सकते हैं, और ईमेल प्रोवाइडर हैं हमारे पास जीमेल, हॉटमेल और याहू मेल। एक्सेस इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बुक्स देख सकते हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंटरनेट का एडवांटेज है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड करने वाले हमारे पास फेमस ऑफ फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ऑनलाइन चैट, ये फैसिलिटी भी आप इंटरनेट के साथ ही अवेल कर सकते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन चैट के लिए? व्हाट्सएप और हैंगआउट, स्काइपी। उसके बाद डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ये भी तभी पॉसिबल है जब आपके पास इंटरनेट होगा, तो आप VLC, क्रोम और भी बड़े सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरटेनमेंट इज़ आल्सो द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं इंटरनेट के साथ। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन सर्विसेज जैसे बैंकिंग, टिकट बुकिंग, ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं इंटरनेट के साथ। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इसमें आ गया स्पैमिंग, आपको अनवांटेड मैसेज मिलेंगे, प्राइवेसी आपकी लीक हो सकती है, साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, वायरसेस आने के चांसेस इंटरनेट के साथ बढ़ जाते हैं, पोर्नोग्राफी, एडिक्शन, टाइम वेस्टेज, ऑल दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट देखेंगे कि कब इंट्रोड्यूस हुए हमारे इंटरनेट के साथ, और उनकी टाइमिंग यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है 1995 से। ये इसका लोगो है। एडवांटेज की बात करें तो ये प्री इंस्टॉल होता है विंडोज़ कंप्यूटर में, फास्टर होता है अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके साथ इंटीग्रेटेड होता है, और कुछ एक एप्लीकेशन हमारी होती हैं जो ऑप्टिमाइज़ की होती हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, अदरवाइज़ वो ओपन ही नहीं होंगी विदाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, तो नो एड ऑन सपोर्ट, स्लो डाउन विद न्यूअर वर्जन, बिकम्स बगी ईजीली, मे बी लेस सिक्योर देन अदर ब्राउजर, और ईजीली टारगेटेड बाई हैकर्स। सो ऑल दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम की बात करें तो ये गूगल क्रोम का लोगो है। ये जो क्रोम है वो गूगल का वेब ब्राउज़र है, और इसको लिया गया है जो ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट से, और इसकी जो फर्स्ट रिलीज थी वो 2008 में आई थी, और ये आपका अवेलेबल है फॉर विंडोज़, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी फास्ट वेब ब्राउज़र है, इसका डिज़ाइन बड़ा सिंपल और इजी टू यूज़ है, और इट टेक्स ओनली फ्यू सेकंड टू इंस्टॉल। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है हमारा, ये रैम को ज़्यादा कंज्यूम करता है कंपैरिजन टू अदर ब्राउज़र, और इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपने मल्टीपल टैब ओपन किए हुए हैं और आप मेन जो ब्राउज़र का क्लोज बटन है उस पर प्रेस कर देंगे, तो विदाउट एनी नोटिफिकेशन ये आपका जो वेब ब्राउज़र है वो सारे टैब्स को क्लोज कर देगा। नेक्स्ट है हमारा ओपेरा। ये ओपेरा का लोगो है। ये आपका स्मॉल इन साइज और फास्ट वेब ब्राउज़र है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे कि मैक, सोलारिस, सिम्बियन, विंडोज़। ये इतना कम्पैक्ट होता है, इतना इसका साइज़ कम होता है कि आपके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में बड़ा ही पॉपुलर है, जैसे स्मार्टफोन्स। एडवांटेज की बात करें तो वेब पेज डाउनलोड करना बड़ा फास्ट होता है इसमें, सिक्योर ब्राउजिंग होती है, वेबसाइट कंप्रेशन फॉर फास्ट लोड, ऑल दीज आर दी एडवांटेज ऑफ ओपेरा। डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट कंपेटिबल विद सम वेबसाइट्स और नो एड ऑन्स। फायरफॉक्स इसका लोगो ये है। ये आपका स्मॉलर, फास्टर और मोर सिक्योर वेब ब्राउजर है। इसका बड़ा क्लीनर इंटरफेस है और फास्ट डाउनलोड स्पीड होती है इसकी। एडवांटेज की बात करें तो फास्ट ब्राउजर है, टैब्ड ब्राउजिंग और एडवांस फीचर है। डिसएडवांटेज की बात करें तो
compatibility issue with some websites. Firefox takes a lot of memory to run. All these are the disadvantages of Firefox. तो अब वेब ब्राउज़र की हम कंप्लीट डायग्राम देखेंगे. वेब ब्राउज़र एक ऐसा टूल है जिससे आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इस पे आप वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं. और एक्सप्लोरिंग एंड नेविगेटिंग द वेब इज़ नोन एज वेब ब्राउजिंग और नेट सर्फिंग. तो आपने ये ध्यान रखना है, वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउजिंग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने सेम नहीं लिखनी है. जब यूज़र वेब ब्राउजिंग करता है तो वो दो ही काम करता है, या कंटेंट को अपलोड करता है या कंटेंट को डाउनलोड करता है. ये डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र हैं और इनके यूज़र की परसेंटेज है. क्रोम गूगल का प्रोडक्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का, यूसी वेब ब्राउज़र आपका, यूसी वेब जो कि अलीबाबा की सब्सिडरी है, सफारी एप्पल का, फायरफॉक्स मोजिला का प्रोडक्ट है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सर्च इंजन. सर्च इंजन इज़ डिज़ाइन टू कैरी आउट वेब सर्च और इंटरनेट सर्च. इट हेल्प पीपल टू लोकेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बाय वर्ल्ड वाइड वेब. तो इसमें क्या होता है आपका सर्च इंजन में, आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ ढूंढना चाहते हैं और आपको उसका एड्रेस नहीं पता है कि वो किस लोकेशन पे अवेलेबल है, तो आपको इस काम के लिए सर्च इंजन की हेल्प लेनी पड़ेगी. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन अवेलेबल हैं. अगर आपने जैसे इंडिया सर्च करना है तो इंडिया से रिलेटेड जहाँ इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी. एचपी बोस सर्च करेंगे तो एचपी बोस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिस वेबसाइट पे अवेलेबल होगी वो आपको सर्च इंजन बता देगा. वर्किंग देखें हम सर्च इंजन की, तो ये इसमें तीन मेन टास्क होते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग. क्रॉलिंग होता है आपका डिस्कवरिंग दी कंटेंट. क्रॉलर को हम स्पाइडर भी बोलते हैं. ये क्या करता है आपका, तो स्पाइडर आपका जो कीवर्ड होता है उसको थाउजेंड ऑफ वेब पेजेस में सर्च करता है और सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी इंडेक्सिंग करता है, स्टोर करता है उस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस के अंदर जो भी वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से कलेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग. उसके बाद जो थर्ड टास्क होता है वो होता है रैंकिंग. तो सर्च इंजन रैंक द रिजल्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग द एल्गोरिदम बाय असाइनिंग वेरियस फैक्टर. रैंकिंग करने के लिए वो वेरियस फैक्टर यूज़ करता है, जैसे कि कीवर्ड कितनी बार अपेयर हो रहा है उस वेबसाइट में, पेज लोडिंग स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें फैक्टर वो देखेगा. उसी के बेसिस पे आपका जो सर्च का रिज़ल्ट है उसकी रैंकिंग करेगा और यूज़र को वो रिज़ल्ट दिखा देगा. तो अगर हम एग्जांपल देखें तो होगा क्या, जब आप हॉलीडे सर्च करेंगे तो हॉलीडे जिस जिस वेबसाइट पे मिलेगा क्रॉलर को, उस वेबसाइट का डाटा इंडेक्स करके रख लेगा अपने पास, उस डाटा को टॉप पे रखेगा जहाँ पे हॉलीडे से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. नेक्स्ट है आपका स्टेप टू परफॉर्म ए सर्च. अगर आपने सर्च करनी है तो आपको कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे. सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र में सर्च इंजन को ओपन करना पड़ेगा. कोई भी सर्च इंजन ओपन कर सकते हैं आप, गूगल, याहू, बिंग, MSN, कोई भी सर्च इंजन. उसके बाद जो भी आप कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं वो आप वहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद रेलिवेंट वेबसाइट की लिस्ट आपके पास आ जाएगी. ये कैसे करेंगे, जैसे मैंने magicinfo.in सर्च करना है तो हमारा जो सर्च इंजन है वो हमें magicinfo.in से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उन वेबसाइट्स को, उन वेब पेजेस को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा. तो इसकी प्रोसेसिंग मैंने आपको पहले बता दी हुई है. आपने सर्च किया, स्पाइडर क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट इंटरनेट में अवेलेबल हैं उनमें इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर सर्च करेगी और जहाँ पे भी ये कीवर्ड मिलेगा उन वेब पेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी उनकी इंडेक्सिंग करेगी, उनको स्टोर कर लेगी डाटाबेस में और उसमें जो कंटेंट होगा उसको रैंक करेगी. जो ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट होगा वो सबसे टॉप पे आएगा और जो रेलिवेंट कम होगा वो नीचे आएगा और यूज़र को ये रिज़ल्ट यहाँ पे फाइनली डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ पे जैसे देखेंगे magicinfo.in सबसे टॉप पे आ रहा है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है. नेक्स्ट है सर्च इंजन के हमारे टाइप्स. क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, इसमें क्या होता है कि एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा कीवर्ड को सर्च करता है डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस में. सेकंड है डायरेक्टरी, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन एडिटर होता है वो करता है हमारी जो वेबसाइट को रैंक. थर्ड है हमारा हाइब्रिड सर्च इंजन, ये कम्बिनेशन ऑफ क्रॉलर और डायरेक्टरी का होता है. फोर्थ है हमारा मेटा सर्च इंजन, इट
डिस्प्ले द रिजल्ट फ्रॉम अदर सर्च इंजन। लास्ट है आपका स्पेशलिटी सर्च इंजन। इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट जैसे शॉपिंग साइट्स होती हैं उनके अंदर जो सर्च होता है, डोमेन नेम सर्च, इस तरह की चीज़ें आती हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सर्च इंजन अवेलेबल हैं उनकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल, ask.com, AOL, Bing, MSN और Yahoo। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। गूगल जो सर्च इंजन है, गूगल हमारा बिगेस्ट सर्च इंजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1997 में डेवलप हुआ था। ये क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है, इसमें क्रॉलर यूज होता है सर्चिंग के लिए। क्रॉलर जो भी रिजल्ट रिटर्न करता है उसकी इंडेक्सिंग होती है और रैंकिंग के बाद यूज़र को रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप हॉलीडे टाइप करेंगे तो हॉलीडे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिन वेबसाइट पे अवेलेबल होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, मैं मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस सर्च करता हूँ गूगल में, तो मेरे को मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस से रिलेटेड जैसे ये यूट्यूब चैनल है इसका, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे दे दी। अगर याहू सर्च इंजन की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। याहू ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी है और फोर्थ पोजीशन होल्ड करता है ये सर्च इंजन में। ये आपका डिफॉल्ट सर्च इंजन आता है मोजिला फायरफॉक्स के साथ, ये इसका लोगो है। अगर आप याहू का इंटरफेस देखें तो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैंने मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस यहाँ पे सर्च किया, इसने मेरे को मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस से रिलेटेड यूट्यूब का लिंक यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे शेयर कर दिया। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को YouTube चैनल पे ले जाएगा मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस के। थर्ड है हमारा बिंग सर्च इंजन। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। बिंग प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सर्च सर्विसेज इंक्लूडिंग वेब, वीडियो, इमेज एंड मैप सर्च प्रोडक्ट्स। ये आपका ASP.NET में बना हुआ है। ये आपका डिफॉल्ट सर्च इंजन है फॉर विंडोज PC। ये है बिंग का इंटरफेस। यहाँ पे आप सर्च करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं, इनकी जो रिज़ल्ट है आपको इस तरह के डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इन रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या चैनल पे नेविगेट हो जाएंगे। तो सर्च इंजन की कंप्लीट डायग्राम देखें तो इट हेल्प पीपल टू लोकेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बाय वर्ल्ड बाय वेब। हमारे पास सर्च इंजन के जो तीन मेन टास्क होते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंक। क्रॉलिंग मींस डिस्कवरिंग द कंटेंट, इंडेक्सिंग मींस स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट, और रैंकिंग होता है प्रोवाइड द पीसेज ऑफ द कंटेंट दैट विल बेस्ट आंसर ए सर्च क्वेरी। स्टेप क्या है आपके पास सर्च इंजन में सर्च को परफॉर्म करना है? तो सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर में सर्च इंजन को ओपन करना पड़ेगा, कीवर्ड टाइप करने पड़ेंगे और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेलिवेंट वेबसाइट की लिस्ट मिल जाएगी। आप उन लिस्ट में से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। टाइप्स ऑफ सर्च इंजन देखें तो क्रॉलर बेस्ड, डायरेक्टरी, हाइब्रिड, मेटा और स्पेशलिटी सर्च इंजन होते हैं। ये है हमारे एग्जाम्पल गूगल, बिंग, एमेज़न और याहू सर्च इंजन के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल। कोई भी इंटरनेट यूज़र इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज सेंड कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जो ईमेल आईडी होती है इसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं, यूज़र नेम और होस्ट नेम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, akshay.kumar@gmail.com, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है @ से पहले वाला वो यूज़र नेम है और @ से बाद वाला पार्ट है वो है होस्ट नेम। वो हमें बताता है कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं ईमेल के लिए, और जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो है यूज़र नेम। एडवांटेज देखें ईमेल की तो इजी टू यूज़, फास्ट, रिलायबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट सेव्स पेपर, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, इंटरनेट के साथ आपकी ईमेल सर्विस फ्री होती है ऑलमोस्ट, इजी टू प्रायोरिटाइज। तो ऑल दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी ईमेल। डिसएडवांटेज की बात देखें तो वायरसेज आने के चांसेस ईमेल के साथ होते हैं, इसको रेगुलरली चेक करना पड़ता है, और दूसरा रेसिपिएंट के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी वो ईमेल चेक कर पाएगा। स्पैम, अनवांटेड ईमेल्स आपको आती रहती हैं। नो गारंटेड ऑफ रीड अनरीड मैसेज, इससे पता नहीं चल पाता है हमें कि रेसिपिएंट ने मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा है। फिशिंग, दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। और अगर हम स्टेप देखना चाहें ईमेल को सेंड करने के तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर जीमेल की बात करें तो आपको सबसे पहले gmail.com वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। उसके बाद आपने साइन इन विंडो पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने पड़ेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना मेल बॉक्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने कंपोज और राइट ईमेल वाले बटन पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ेगा, टाइटल लिखना पड़ेगा मैसेज का, और ईमेल की बॉडी लिखनी पड़ेगी।
ये सब लिखने के बाद आपने सेंड पे क्लिक कर देना है और आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। इसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। अगर ईमेल और पोस्टल मेल का डिफरेंस देखना है आपने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल इज़ वेरी फास्ट देन पोस्टल मेल, दूसरा है कि ईमेल इज़ चीपर देन पोस्टल मेल, तीसरा है कि यू कैन ईजीली सेंड वॉइस इमेजेस एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईमेल बट नॉट ईजी विद पोस्टल मेल, लास्ट है आपका ईजी टू सेंड ईमेल टू मल्टीपल रेसिपियंट लाइक CC BCC विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। बट पोस्टल मेल में आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज भेजना है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस उसके पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ईमेल के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पैम, फिशिंग और वायरसेस, ये डिसएडवांटेज हैं, और एडवांटेज में देखें तो एनी टाइम एनी वेयर और इनएक्सपेंसिव। अब हम 10th कंप्यूटर साइंस यूनिट 2 का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के जो हमारे 3 मेन टॉपिक हैं वो हैं वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन और ईमेल। तो जैसा कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने तीनों जो वेब ब्राउज़र हैं फेमस वाले वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये है आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आपके पास अवेलेबल हैं, इन टैब्स में आप कुछ भी जो सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं, और जिस भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं वो वेबसाइट आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप इन वेबसाइट में जाके इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकते हैं और इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन है सर्च कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं ताकि आप मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सर्च कर लें और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपके पास ज़्यादा वर्किंग एरिया अवेलेबल रहे। तो ये था गूगल क्रोम। अब मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का इंटरफेस भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखता है। जैसे मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा तो मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टैब्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे ओपन करने के लिए। ये इसकी एड्रेस बार है, कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। थर्ड है आपका फायरफॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये फायरफॉक्स है आपके पास, ये फायरफॉक्स का इंटरफेस है। यहाँ पे भी आपको टैब्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इसकी एड्रेस बार है, यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बताऊँगा। तो सर्च इंजन ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करें और उन पे डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन ओपन कर लें। जैसे गूगल सर्च इंजन ये है आपके पास, आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड। अगर मैं याहू की बात करूँ तो मैं yahoo.com ओपन करूँगा, याहू का इंटरफेस मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे जो भी सर्च करना है वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो मेरे को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। मैं जिस भी लिंक पे क्लिक करना चाहता हूँ तो मेरे को वो पर्टिकुलर लिंक ओपन हो जाएगा। और बिंग की बात करें तो bing.com, ये बिंग है, यहाँ पे भी मैं जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहता हूँ वो मैं टाइप करूँगा सर्च बार में और मेरे को वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। मैं लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जा सकता हूँ और आपको जो भी इंफॉर्मेशन ढूँढनी है इंटरनेट के ऊपर वो यहाँ से मैं ढूँढ सकता हूँ इजीली। नेक्स्ट है आपके पास कि ईमेल आपने कैसे कर। तो ईमेल जैसे अगर आपने करनी है तो आप google.com ओपन करेंगे तो यहाँ पे जीमेल पे जाएंगे, तो भी आप जीमेल के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस बार में gmail.com टाइप करना पड़ेगा और gmail.com टाइप करने के बाद क्या करेंगे आप, साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन में क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे पास जीमेल में मेरा मेल बॉक्स ओपन हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को एक नई ईमेल आई हुई है, ये जो बोल्ड लेटर में दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो मेल है वो पर्टिकुलर वो ओपन हो जाएगी। अगर मेरे को किसी और पर्सन को ईमेल सेंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, कंपोज पे क्लिक कर दूंगा। कंपोज पे क्लिक करते ही मेरे को नया मैसेज लिखने का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को टू एड्रेस लिखना पड़ेगा जिस भी पर्सन को मैंने मेल करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ @gmail.com और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखूँगा मैट्रिक रिजल्ट, और यहाँ पे मैं बॉडी लिख दूंगा आई हैव सिक्योर 80% मार्क्स इन मैट्रिक, और
जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा मेरा ये मैसेज सेंड हो जाएगा। तो अब आपका मैसेज सेंड हो गया है। तो ये थी प्रोसेस आपकी ईमेल को सेंड करने की। सो दैट्स ऑल फॉर प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। सेम ही प्रोसेस रहेगा आपका याहू में भी मेल करने का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे, ताकि आप इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे आपके फाइनल एग्जाम की प्रेपरेशन हो जाएगी। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन के आंसर अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, या फिर आप हमारी वेबसाइट magicinfo.in से भी इन क्वेश्चन के आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड है आपके ये वाले क्वेश्चन। तो टोटल 34 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, शॉर्ट आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे आपके पास तो ये हैं 7 आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आपको आंसर की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब से चेक कर सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन। अगर ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके ट्रू फॉल्स आते हैं फाइनल एग्जाम। अब हम क्विक रिव्यू करेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। हम 10th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट। और कौन कौन से टॉपिक थे इसमें हमारे, कंप्यूटर नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन और ईमेल। इन डायग्राम से आप इन टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आप इनको रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास 9 to 12 कंप्यूटर साइंस का स्टडी मटीरियल नहीं है तो आप उस स्टडी मटीरियल को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल हमारी वेबसाइट magicinfo.in से अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, magicinfo.in पे जाएंगे तो प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश में स्कूल के अंदर कंप्यूटर साइंस में क्लिक करना है। तो आपको इस तरह के 3 लिंक मिलेंगे, ई बुक, सिलेबस और वीडियो ट्यूटोरियल। जिस भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। जय हिंद, जय भारत।